भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा चिकित्सालय में अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान यहां 37 वर्ष की सेवाओं पर नवीन्द्र जैन का सम्मान और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर नवीन्द्र जैन ने कहा कि जो स्नेह सहयोग और सम्मान मिला है उसके लिए वे सभी के आभारी हैं। समारोह में A1 न्यूज के डायरेक्टर दिलीप चौधरी सहित परिजन मौजूद रहे। चिकित्सालय के सभागार भवन में शनिवार को नर्सिंग इंचार्ज पद पर राजकीय सेवा में कार्यरत नवीन्द्र जैन की सेवानिवृत्ति से पहले समारोह आयोजित हुआ। PMO डॉक्टर अशोक जैन आयोजन के मुख्य अतिथि रहे। साथ ही भाजपा नगर उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी और A1 न्यूज के डायरेक्टर दिलीप चौधरी समेत परिजन मौजूद रहे। इस मौके पर नर्सिंग इंचार्ज नवीन्द्र जैन को स्टाफ ने माला पहनाई और साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। PMO जैन ने भी नवीन्द्र जैन को साफा बांधा और शॉल उड़ाई, वही अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान ओम प्रकाश शर्मा ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया। आपको बता दें कि नवीन्द्र जैन ने 37 वर्ष 2 माह की राजकीय सेवा दी है। इस आयोजन में मिले सम्मान से अभिभूत होकर नवीन्द्र जैन की आंखें नम हो गई। नर्सिंग इंचार्ज ने विदाई से पहले कहा कि यहाँ 36 वर्षों से अपनी सेवाएं दी है। इस दौरान स्टाफ सदस्यों का जो स्नेह सम्मान और सहयोग मिला वो यादगार रहा। जिला चिकित्सालय में उनसे जितना हुआ उतना सहयोग सेवाकाल में दिया। नवीन्द्र ने कहा कि परिवार के संस्कारों के कारण वह हमेशा ही समाज सेवा से जुड़े रहे। उनके पारिवारिक ट्रस्ट के जरिए यहाँ पर रोगियों के लिए भोजनशाला और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई, जो निरंतर जारी है। PMO डॉक्टर अशोक जैन ने कहा कि नवीन्द्र की सेवानिवृत्ति रविवार को है, लेकिन एक दिन पहले ही स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। चिकित्सालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में नवीन्द्र जैन का काफी सहयोग मिला। डॉक्टर जैन ने कहा कि नवीन्द्र ने चिकित्सालय में कई पदों पर सेवाएं दी और चिकित्सालय के भौतिक विकास के साथ यहाँ की गुणवत्ता में सुधार के लिए अविस्मरणीय कार्य किए हैं। इस चिकित्सालय में मैंने 36 वर्ष तक लगभग सेवाएं की और यहाँ स्टाफ का, PMO साहब का जो स्नेह सम्मान और सहयोग मुझे मिला उसके लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने कार्य किया और कोशिश मेरी पूरी रही कि चिकित्सालय में जितना हो सके मेरा योगदान दे सकूं, और उसी का परिणाम आज ये जो सम्मान मैं जो देख रहा हूँ और लोगों ने जो मुझे दिया है सारे स्टाफ ने, वो उससे मैं दिल से अभिभूत हूँ। खुशी के साथ साथ गम का भी दिन है। एक बहुत ही अच्छे कर्मचारी वो रहे हुए हैं, नर्सिंग इंचार्ज के पद से वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने 35 साल का कार्यकाल यहाँ जिला चिकित्सालय शाहपुरा में बखूबी अंजाम दिया है। खास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जिला चिकित्सालय सेटेलाइट हॉस्पिटल से SGH हॉस्पिटल और SGH हॉस्पिटल से जिला चिकित्सालय तक पहुँचा, इसकी नींव में इनका मेरे प्रति, इस चिकित्सालय के प्रति सहयोग बहुत ही प्रशंसनीय था। कुल मिला के जो कर्तव्य परायणता थी अपने कार्य के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति और अपने अधिकारियों के प्रति, ये बिल्कुल लाजवाब था। समय को उन्होंने कभी नहीं देखा, चाहे ये छुट्टी पे हो, चाहे ड्यूटी आवर्स के बाद का वक्त हो, जब जब भी मैंने किसी काम के लिए इन्होंने कहा वो तुरंत प्रभाव से, कहीं भी बैठे हों ये तुरंत प्रभाव से यहाँ सारे अर्जेंट काम को छोड़ के, और इस चिकित्सालय के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, और उसी का नतीजा ये है कि आज चिकित्सालय इतनी बुलंदियों तक पहुँचा। इनके कार्यकाल में जो बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हमने हासिल किए, जिसमें हमने एनक्वास लक्ष्य और कायाकल्प जैसे प्रोग्राम में पूरे राजस्थान में इस जिला चिकित्सालय को एक अलग से नाम दिया, निश्चित रूप से इन जैसे कर्मचारी अगर 5-7 और हो तो किसी संस्था को इस बात का गुमान नहीं रहेगा कि वो इतनी कमज़ोर संस्था है। तो अंत में दुख इस बात का है कि एक बहुत अच्छा कर्मचारी आज हमारा इस संस्थान को छोड़ के जा रहा है, लेकिन इनकी सेवाएं मैं उम्मीद करता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी इसी प्रकार से मिलती रहेगी। धन्यवाद, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सम्मान समारोह में डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर अभय धाकड़, डॉक्टर गौरव लढ़ा, इंडोर प्रभारी उत्सव सोमानी, नर्सिंग प्रभारी मंजू सेन,
नर्सिंग ऑफिसर विक्रांत समेत स्टाफ मौजूद रहा। समारोह के बाद रविंद्र जैन के परिजनों और स्टाफ सदस्यों ने चिकित्सालय से जुलूस निकाला और जैन को शिक्षक कॉलोनी स्थित आवास तक पहुंचाया। आज भाई साहब है मेरे, उनका रिटायरमेंट हुआ है तो बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी अच्छे उन्होंने सेवाएं दी हॉस्पिटल में और सब लोगों ने जो स्पीच दी हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी से मतलब आंखें भर गई कि उन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं दी है समाज में, अस्पताल में, परिवार को, सबको बहुत ही अच्छा। हम लोगों को आज गर्व की बात है हमारे लिए बहुत। और पप्पू भाई साहब मतलब बहुत ही ज़्यादा सेवाभावी और बहुत ही ज़्यादा करुणामय हृदय वाले हैं और इसलिए आज हम लोग मतलब हर वक्त चाहे हम लोग को मानसिक परेशानी हो या हम लोग को शारीरिक हो तुरंत पप्पू भाई साहब को फ़ोन करते हैं और वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तुरंत। तो बस मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी रिटायरमेंट के अवसर पर। बहन की तरफ से भाई को हार्दिक शुभकामनाएं और ये अपनी सेवानिवृत्ति का हर एक पल बहुत ही आनंद के साथ और उल्लास के साथ और सब जगह घूमते हुए मुंबई भी आए, सब जगह जाएं और उसको अच्छी तरीके से व्यतीत करें। वहीं रविंद्र जैन के आवास पर भी अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। यहाँ पर भी परिवार वालों ने रविंद्र का सनातन संस्कृति के अनुरूप भव्य स्वागत किया और मंगल गीत गाए। इस मौके पर मोहल्ले वासियों ने भी जैन का अभिनंदन किया। एवन न्यूज के लिए शाहपुरा से रमेश पेशवानी की रिपोर्ट।